सो गाइस, रजत दलाल ने तो इस वीकेंड के वार पर होस्ट को ही काफी कुछ सुना दिया। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ इस वीकेंड के वार पर। सो गाइस, कल वीकेंड के वार पर एकता कपूर स्टेज पर आई थी, जिसके बाद तो एकता कपूर वुमन कार्ड के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि लड़कियां भी लड़कों के बराबर हैं। और एकता की इस बात पर रजत दलाल इंटरप्ट करता है, तो एकता कहते हैं कि आप पर तो मैं आने वाली थी। और फिर कहती है, पहले तो आप कहते थे कि लड़कियों की इज्जत होनी चाहिए और उनके लिए स्टैंड लिया करते थे, मगर आप कैसे किसी की माँ और बहन के ऊपर गाली दे सकते हो। जिसके बाद तो रजत एकता को काउंटर करते हुए ये कहता है कि मैम, वो मेरे गुस्से से निकल गया और मैंने उस चीज़ की माफ़ी पहले ही मांग ली है, और घर के अंदर सभी एक्टर्स हैं और मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वहाँ पर ये सब कुछ नॉर्मल है। जिसके बाद फिर एकता कहती है कि अगर आप मेरा पेरेंट्स का नाम लेकर उनके बारे में कुछ कहोगे तो मैं घर के अंदर आकर आपको सबक सिखाऊंगी। और शिल्पा जी, आप ही बताइए कि रजत के टॉपिक्स खुद के होते हैं या दूसरों के होते हैं। शिल्पा जी कहती है कि नॉर्मली तो वो दूसरे के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि घर के अंदर सारा अर्पिन का मैटर हुआ था, तब रजत ने उस टॉपिक को अपना बना लिया था, क्योंकि उस समय वो जेल के अंदर था और उसको विवेन से झगड़े करने था। और दूसरा कि उसको ईशा और बग्गा पे बहुत भरोसा था, मगर नेक्स्ट वीक वो पलट गया। इसके बाद फिर रजत इसी बात को काउंटर करते हुए एकता को एक करारा जवाब देते हुए ये कहता है कि अगर आप 2 मिनट दोगे तो मैं बात करूँ। जिसके बाद फिर रजत कहते हैं कि पहले तो मुझे बग्गा जी पे बहुत भरोसा था, मगर उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया, इसलिए मैं पलट गया। और दूसरी बात, सारा और अर्पिन मेरे दोस्त हैं और उनके ऊपर कुछ आएगा तो मुझे उनके फाइट में उतरना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर एकता कहती है कि क्या आप सारा और अर्पिन के बॉडीगार्ड हो। रजत काफ़ी गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है कि मैम, यहाँ पर मैं किसी का भी बॉडीगार्ड नहीं हूँ, उनके साथ रहता हूँ तो उनका साथ दूंगा ज़रूर, और मुझे एक्टरों की बात नहीं समझ में आती क्योंकि मैं खुद एक्टर नहीं हूँ। तो विवेन कहता है कि एक्टिंग तो ये घर के अंदर करता है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी लाजवाब है, क्योंकि ये ईशा को अपनी बहन मानता है तो ये रिश्ता भी बहुत अच्छे से निभा रहा है। इसके बाद फिर ईशा कहती है कि मैंने रजत को सच में अपना भाई माना था, मगर मुझे कई लोगों ने भड़काया कि रजत तेरे साथ गलत कर रहा है, मगर मैंने उनकी नहीं सुनी। मगर कुछ समय के बाद बिग बॉस ने मुझे एक क्लिप दिखाई, जिसके बाद फिर मैं समझ गया कि रजत मेरे फीट पीछे मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और फिर रजत कहता है कि ईशा ने भी मुझे धोखा दिया था, उसको पता है कि मुझे जेल से डर लगता है और मैं जब साबरमती जेल में था तो मैं कैसे तड़ पाता, मगर उसके ही वोट के चलते मुझे जेल के अंदर डाला गया। इस पूरे सेगमेंट के अंदर एकता कपूर की होस्टिंग काफ़ी बेकार हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ विवेन और उसके ग्रुप को ही फेवर कर रही है। सो गाइस, क्या आपको लगता है कि रजत जो भी घर के अंदर करता है वो सही है या गलत, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।